जिसे आप स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, कभी कढ़ी चावल, दाल चावल, पुलाव या कुछ ऐसी डिश बननी हो तो आप इसे साइड डिश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे मसाला लगा कर फ्रीज कर दें तभी आपके अचानक जो गेस्ट आ जाए, या फिर आपका अपना दिल चाहे तो आप इसे चटपट फ्राई करें और फिर इंजॉय कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिस्पी फ्राइड फिंगर फिश के लिए मैंने यहाँ पर फिंगर फिश लिए, ये तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा है, 3 पाव के करीब है ये। इसको आप धो लें और फिर इसका पानी निकाल लें, निकाल लें पानी। इसके लिए हमें मसाले चाहिएंगे। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं और इन्हें मैंने बीट कर लिया है, थोड़े खुले पैन में इसलिए किया है ताकि आसानी से मसाला हम फिश पर लगा सकें। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिएगा हमें 1 टेबल स्पून, कुटी हुई हरी मिर्च है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून यहाँ पर चॉप्ड लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है। आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक हसबे जायका है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने वाइट पेपर लिया है, ब्लैक पेपर नहीं था मेरे पास इसलिए आप ब्लैक पेपर डालें या फिर आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर गार्लिक पाउडर लिया है। अब हम सारे मसाले अंडों में डाल देंगे। फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ, वो मैं बताना भूल गई थी। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाला है इसमें मैंने। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 1 by 1 फिश डाल देंगे। फिश पर हमें इस तरह से सारा मसाला अच्छे से लगा लेना है। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे के बाद इसे मैं ब्रेड क्रम्स के साथ फ्राई करूंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद। फिश के लिए अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन पाउडर डाल रही हूँ, गार्लिक पाउडर। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अंडे वाले फिश को अब मैं ब्रेड क्रम्स में कोट करती जाऊंगी। आप साथ साथ अपने हाथ अगर साफ करते जाएंगे तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना अगर आपके अंडे वाले हाथ हुए और आपने डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स में लगा दिए तो फिर वो आपको बहुत इरिटेशन होगी और ब्रेड क्रम्स भी सारा फिर इसमें लम्स बन जाएंगे, गीला हो जाएगा ये। देखिए इस तरह से मैं सारी फिश को ब्रेड क्रम्स से कोट कर दूंगी। से आपको अच्छे से फिश को कोट करना है ब्रेड क्रम्स से। आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं, अगेन आप अंडे में डीप करें और फिर आप ब्रेड क्रम्स में ही डीप करें, आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही कोटिंग कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फिश पर मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है।
अब इसमें से मैं कुछ फ्राई करूंगी और कुछ को मैं एयरटाइट डब्बे में अच्छे से पैक करके फिर फ्रीज कर दूंगी। फिर आप भी इसी तरह से कर सकते हैं कि जब भी आपको मूड हो तो आप फ्रीज़र में से निकालें फिश को और ये आप फ्राई करें और फिर खाएं। ये जो अंडा बच गया है इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, आखिर में हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। एक वक्त में आप बहुत सारे नहीं डालें, दो या तीन या चार पीस करके डालें, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर अगर ठंडा हो गया तो उससे भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए फ्रेंड, एक मिनट हुआ है फिश को तलते हुए, अब मैं इसकी साइड स्किन कर रही हूँ। हम मीडियम लो पे रखेंगे, हमारा थोड़ा सा टूट जाए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। देखिए फ्रेंड्स, टोटल दो से तीन मिनट मैंने इसे फ्राई किया है और ये फिंगर फिश है और ये इतना टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में, जल्दी कुक हो जाती है। अब बाकी की फिश भी हम डाल देंगे और इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी फिंगर फ्राइड फिश बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है और ये कितनी यमी लग रही है इस वक्त। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे, लाइक दे दें और प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया और वो आपको कैसी लगी। अब मैं आपको एक फ़िश तोड़ के दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।